नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने वाले थे और अब धीरे धीरे रुझान सामने आने लगे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और लगभग आधे रास्ते पर पहुंच गया है परिणाम, क्योंकि 30-32 राउंड की गिनती होनी थी जिसमें से 15-16 राउंड की गिनती हो चुकी है और लगभग अब स्थिति क्लियर होने लगी है कि इस चुनाव परिणाम में बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। जहाँ तक आप जानते हैं कि मोकामा का सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में थी, अनंत सिंह वहां से विधायक थे, उनकी विधायकी समाप्त होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वहां के जो विधायक थे उनके इंतकाल के बाद उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी थी और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा था। हालाँकि दोनों सीटों पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन इन सब के बीच में चुनाव प्रचार चल ही रहा था और जैसे ही चुनाव प्रचार थमा उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आया था कि आसान नहीं होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए जीतना। लेकिन अब जो स्थितियां सामने आ रही हैं, इससे पहले भी बहुत सारी बातें जीतन राम मांझी ने कही और जैसे ही रुझान आने शुरू हो गए, उस रुझान में भी हमने आपको बताया था कि बहुत कुछ बदलने वाली बात नहीं है। जिसके पास जो सीट थी लगभग वही स्थितियाँ होने वाली है। अगर कोई बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई तो उसके पीछे कारण कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जो चीज़ें सामने रखी हुई थी वही नज़र भी आ रही हैं। जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कई तरह की बातें कही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार यदि फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहते हैं तो जाएँ, मैं भी उनके साथ तैयार हूँ। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जब कहा जा रहा था कि महागठबंधन और एनडीए का ये लिटमस टेस्ट होगा और 2024 से पहले का सेमीफाइनल है, इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थितियां बनी हैं और जिस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने लगातार जो बयानबाजियां की हैं, हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि दो दिन पहले भी जीतन राम मांझी की तरफ से जो बयान आया था उस बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी और फिर से एक बार महागठबंधन कहीं ना कहीं टेंशन में आ गया था। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जीतन राम मांझी ने जैसे ही चुनाव के परिणाम आने लगे हैं और रुझान मोकामा में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ झुकता नज़र आ रहा है, उसको लेकर के एक बयान जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए अपनी बात रखी है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये नीतीश कुमार के कार्यों का और तेजस्वी यादव के जो विज़न है उसकी जीत है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक गोपालगंज पर कोई भी बात उन्होंने नहीं कही है, क्योंकि गोपालगंज की सीट जो है उसमें लग रहा है कि पलड़ा जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झुक रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी अगला क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अग्रिम बधाई जरूर दे दी है। सुनिए क्या कहा है दानिश रिजवान ने और इसके साथ साथ वो आगे की क्या रणनीति बता रहे हैं। देखिए, उपचुनाव के परिणाम ने बता दिया कि बिहार की जनता आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम का तेजस्वी यादव जी के ऊपर में भरोसा करती है और जीतन राम मांझी जी पर विश्वास करती है, जिसका परिणाम है कि हम मोकामा भारी मतों से जीत रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोकामा की जनता ने यह भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद बिहार में कहीं नहीं है। मोकामा में जो वोट भी मिला है वो चिराग पासवान जी के बदौलत मिला है। अगर चिराग पासवान जी का रोड शो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी कहां फेंका कर जाती, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।